नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अयोध्या में भूमि पूजन, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे आधारशिला, 12:15 का है शुभ मुहूर्त, 11 पंडित करवाएंगे पूजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साधा चीन पर निशाना, कहा चीन के कारण दुनिया में फैला कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए चीन ने नहीं उठाए कदम, चीन चाहता तो रुक सकता था संक्रमण। एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में अनुच्छेद 370 हटाने का विषय जोड़ा, कश्मीर की अलगाववादी राजनीति से जुड़ा पैरा हटाया, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का किया है संक्षिप्त उल्लेख। दुनिया भर में 1.5 करोड़ के लगभग हुए कोरोना संक्रमण के केस, मरने वालों का आंकड़ा 6 लाख के पार हुआ, 89 लाख से ज्यादा लोग हुए रिकवर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने जाटों से मांगी माफी, का किसी की भावना आहत करने का नहीं था इरादा, सीएम ने पंजाब के लोगों और जाटों की तुलना बंगाल के लोगों से की थी। मेरठ में कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित कोरोना हेल्प डेस्क पर बंदरों का कब्जा, भारी बारिश से परिसर जलमग्न, बंदर मचा रहे हैं धमाचौकड़ी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों से दुखी है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, का मुझे बदनाम कर मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश, विधायक के खिलाफ करूंगा कार्रवाई। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, औरंगाबाद में आए 189 नए मामले, कुल संख्या बढ़कर 11,420 हुई। राजस्थान में सचिन पायलट गुट को फिलहाल राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रखा, अदालत ने स्पीकर से भी नोटिस मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा जीत हमारी ही होगी, सरकार पूरा करेगी अपना 5 साल का कार्यकाल, बोले सत्य हमारे साथ। सीबीआई ने पुलिस अधिकारी की आत्महत्या मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवराम सैनी से की पूछताछ, कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया से भी हुई पूछताछ, पुलिस अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने चूरू में 23 मई को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश, निचले इलाकों में पानी भरने से आवाजाही प्रभावित, बुधवार को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान। कोविड-19 से मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों को मुआवजा देगी एयर इंडिया, स्थायी कर्मचारियों के परिजनों को 10-10 लाख एवं अनुबंध पर काम करने वाले कर्मियों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा भाजपा और मोदी पर निशाना, कहा नमस्ते ट्रंप और राजस्थान में सरकार गिराने के प्रयास से कोरोना के खिलाफ आत्मनिर्भर हुआ देश। भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सांसद संजय राउत ने कहा निश्चित तौर पर अयोध्या जाएंगे शिवसेना प्रमुख। केजरीवाल सरकार लोगों को घर घर पहुंचाएगी राशन, योजना को सरकार की हरी झंडी, केजरीवाल ने बताया बड़ा बदलाव लाने वाला कदम। यूएई में हो सकता है आईपीएल का आयोजन, टूर्नामेंट की संचालन परिषद 10 दिन के भीतर बैठक कर तैयार करेगी आगे की योजना। कोविड-19 महामारी के कारण इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे से हटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, मीडिया रिपोर्ट में दावा, इंग्लैंड में जून में 3 एक दिवसीय और इतने ही T20 मैचों की श्रृंखला खेली थी। किर्गिस्तान में फंसे स्टूडेंट्स को भारत वापस लाएंगे सोनू सूद, पहली फ्लाइट 22 जुलाई को भेजने की है तैयारी। 23वें शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी भारतीय फिल्म सेक्शन 375, अजय बहल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में लीड रोल में है अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।